जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। माय गाइस, मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में साइंस के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं और आज हमने साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी है। मैं आप सबको बता दूं कि साइंस की क्लास आपकी रोज रात 8 बजे होगी। मेरे प्यारे भाई, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। अगर कहा जाए तो मात्र 60 दिन का आपके पास संघर्ष है। ये 60 दिन आपके लिए महासंग्राम है गाइस। आप पूरी जिजान पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। तो अब आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको मैं बता दूं कि आज की इस क्लास में हम मात्रक से संबंधित जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके गाइस बचेंगे मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा। अगर क्वेश्चन नहीं बचते हैं तो मैं दूसरी टॉपिक आपकी शुरू कर दूंगा। जैसे मैं दूसरी टॉपिक आपकी शुरू कर दूंगा गाइस न्यूटन के गति नियम, या फिर अगर कोई दूसरी टॉपिक आपकी होगी सिलेबस में जिस प्रकार से टॉपिक दिया उसी प्रकार से मैं आपकी क्लासेस करवा दूंगा, ठीक है। जैसे कि गाइस मैंने जीके में आपकी क्लास करवा दी है इतिहास के। फर्स्ट है कि भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत में मैंने वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते थे मैंने करवा दिए हैं। अब दूसरी टॉपिक आपकी हो गई, आपने देखा गाइस, तो मतलब एक एक टॉपिक गाइस आपके हम क्लियर कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मैंने गाइस क्लास का टाइम टेबल भी चेंज कर दिया, आप देख लीजिए पहले टाइम टेबल उसके बाद आगे हम बात करते हैं मित्रों। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जीके की जो टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं गाइस ये आपकी रोज सुबह 8:30 बजे होगी। मेरे प्यारे भाई, जीके की जो टॉपिक वाइज क्लास होगी ये रोज सुबह 8:30 बजे होगी और रीजनिंग आपकी 10 बजे होगी, मैथ आपकी शाम को 6 बजे होगी, हिंदी आपकी 7 बजे होगी, जीके का टेस्ट आपका गाइस जो रोज सुबह जीके के टॉपिक वाइज क्लास चलेगी उसी के आधार पर जीके का आपका टेस्ट रोज शाम 7:30 बजे होगा, साइंस का टेस्ट आपका रात 8 बजे होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं तो वो किसी भी समय हो सकती है। इसलिए जो प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को गाइस प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए, आपके साइंस की क्लास जो है ये अब रोज रात 8 बजे होगी, ठीक है। अब आपका जीके और साइंस एक क्लास में बिल्कुल भी नहीं होगा। जीके आपका अलग होगा, साइंस आपका अलग होगा गाइस, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, वर्दी तो हम आपको दिलाकर ही रहेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाती हो। समझ के होंगे मेरे प्यारे भाई, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर ही रहेगी, ना कि कोई दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी चली जाएगी। और जो आपका सपना है वो आपका सपना ही रहेगा, और जब सपना आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ और ये 60 दिन मानकर चलो, 60 से 65 दिन आपके पास बचे अभी, जब तक एग्जाम डेट क्लियर ना हो जाए तब तक 60-65 दिन आप मानकर चलो, तो 60-65 दिन आपके लिए बेहद अहम है। और पूरी जान के साथ लगे रहना भाई, आप अगर 60 दिन अपने आप को अलग कर लेते हो तो ये मानकर चलो आगे चल करके आपका पूरा फ्यूचर जो है इसे पूरा सुधर जाएगा। सो प्लीज सभी प्यारे भाई बहन पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो, मैं तो आपके लिए पूरी जान लगा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। देखो मैं यहाँ पर बोल दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए गाइस, मैंने बुक से लिया है, अपनी बुक से, साइंस की बुक से, तो वहीं से गाइस मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो थोड़ा आपको क्लियर ना दिख रहा होगा तो सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को दिल से शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी मित्र आपके हैं उन सभी तक इस क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, 10^-6 मीटर के बराबर होता है एक माइक्रोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत आवेश का SI इकाई मात्रक क्या है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। देखो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि आज मैंने मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। देखो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विस्थापन की SI इकाई क्या है, इसका आंसर आप सबको बताना है क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप सबको बताना है, फटाफट दे दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विस्थापन का SI मात्रक। देखो विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जो लंबाई का मात्रक होता है वही विस्थापन का भी SI मात्रक होता है।
कहने का मतलब है विस्थापन का सही मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मीटर। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मीटर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इसका आंसर आप सबको बताना है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? फटाफट आंसर देने के सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस, आप हर एक को ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, कार्य और ऊर्जा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सेकंड ऑप्शन देखो, बल और दाब। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, संवेग का होता है न्यूटन सेकंड, बल का होता है न्यूटन, कार्य का होता है गाइस जूल। तो कहा जाए यहाँ पर ना तो ऑप्शन बी मिल रहा है, ना ही ऑप्शन डी, ना ही ऑप्शन सी। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा, इन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, क्योंकि कार्य का एसआई मात्रक जूल तो वही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखो मैंने आपको बताया गाइस कि मैं आज की इस वीडियो में आपके मात्रक से संबंधित क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, इसके बाद आपकी दूसरी टॉपिक कवर करेंगे, एक एक आपका पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखो, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति सॉरी दूरी की। किसके है? दूरी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है, इसका आंसर आप सबको बताना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखो मेरे प्यारे भाई, प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम, जिसे कुछ इस प्रकार से गाइस डिनोट किया जाता है, ओम कुछ इस प्रकार से बनता है, क्योंकि गाइस आप सभी समझते हैं यहाँ पर देखो, कूलाम जो है गाइस ये किसका मात्रक होता है? तो ये हो जाएगा आपका आवेश का। ओम तो गाइस आपका प्रतिरोध का हो ही गया, रेजिस्टेंस का हो ही गया। इसके अलावा जूल जो है गाइस ये कार्य ऊर्जा ऊष्मा का होता है। न्यूटन जो है बल और भार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध की एसआई आपसे कहा गया, तो ओम आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबल, प्रतिबल का एसआई इकाई क्या होगा? देखो भाई, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना मेरे प्यारे भाई, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आपको इस प्रकार भी ऑप्शन दिया जा सकता है, न्यूटन मीटर के पावर माइनस दो। तो या फिर न्यूटन मीटर के पावर माइनस दो दिया जाए, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया जाए, बात एक ही है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई? एम्पियर, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। गाइस जो कूलाम है ये विद्युत आवेश का होता है, वाट जो है शक्ति का होता है, जूल जो है कार्य ऊर्जा ऊष्मा का होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? एम्पियर। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? शक्ति की इकाई को आपसे कहा गया है, फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपसे ये कहा गया है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा यहाँ पर आपका वाट। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर आप सबको बताना, दबाव। दबाव का मतलब ये हो मेरे प्यारे भाई, दाब। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपसे कहा क्या गया? दाब। आपको ऑप्शन में दाब का एसआई मात्रक जो है गाइस ये पास्कल भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको गाइस ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप ऑप्शन को देखो, उसके बाद आप आंसर दो। देखो, दाब की एसआई इकाई आपसे कहा गया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर कहा जाए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कहा जाए न्यूटन मीटर के पावर माइनस दो। बात एक ही है, तीनों की तीनों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी को, दूरी की लंबाई के यूनिट को क्या कहते हैं? पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी, लंबाई की यूनिट है वो है गाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय दूरी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी,
जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो बल की एसआई इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई, न्यूटन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस दो जो है किसकी इकाई है, समझो। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस दो ये जो है किसकी इकाई है, यह है गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियतांक की, करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप सबको बताना है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, फटाफट आंसर दे दीजिए फटाफट। देखो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगी आपकी ओम। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ओम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, आप पहले ऑप्शन को देखो उसके बाद आंसर दो, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। देखो दाब और बल, पहले ऑप्शन देखो गाइस, दाब और बल, दाब का एसआई मात्रक पास्कल और बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। बल और उत्क्षेपण ये गाइस दोनों बिल्कुल सही मिल रहे हैं क्योंकि इन दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मीटर सेकंड की पावर माइनस दो निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, या फिर कहा जाए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बात एक ही है मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीटर सेकंड की पावर माइनस दो, मेरे प्यारे भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहा जाए या फिर मीटर सेकंड की पावर माइनस दो, बात एक ही है। देखो गाइस जो यहाँ पर एक्सीलरेशन दिया है, त्वरण दिया है, त्वरण का गाइस जो सूत्र होता है क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और गाइस आप सभी समझते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी और बटे समय, और फिर है कि वेग में परिवर्तन, वेग हो गया दूरी बटे समय, और वेग में परिवर्तन बटे समय यानी फिर से समय, तो मतलब दूरी बटे समय का स्क्वायर, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, और समय स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड के पावर माइनस, तो बात एक ही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि एसआई इकाई न्यूटन है, कहने का मतलब है ऑप्शन ए बी सी डी में से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, फटाफट आंसर दे दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके अलावा इस क्लास के बारे में अपने मित्र को भी सूचित कर देंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि 8 बजे उनकी साइंस की क्लासेस होती हैं। और गाइस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तापमान क्या सही है। देखो मेरे प्यारे भाई तापमान, थोड़ा सा ऑप्शन देखने के बाद आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या होगा समझो फिर आंसर दो। तापमान की एसआई इकाई क्या है आपसे ये पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर डिग्री तो होगा नहीं, ना तो सेल्सियस होगा ना ही फारेनहाइट होगा, इसमें गाइस इसके प्रकाश से संबंधित हो जाएंगे, तो यहाँ पर गाइस आपका सही आंसर क्या हो जाएगा केल्विन। केल्विन जो है ये तापमान की एसआई इकाई होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि इकाई नहीं है, मेरे प्यारे भाई सापेक्ष राशि इकाई नहीं है, अब समझो मेरे प्यारे भाई सापेक्ष राशि इकाई का मतलब क्या है। गाइस यहाँ पर देखो समय जो है ऑप्शन नंबर ए, समय जो है ये सापेक्ष इकाई राशि नहीं है, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक एटीएम या फिर एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने पास्कल, मेरे प्यारे भाई एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितने पास्कल होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या फिर कहा जाए एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने पास्कल, बात एक ही है, फटाफट आंसर दे दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सभी मित्र फटाफट आंसर दे देंगे, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर या फिर एक वायुमंडलीय दाब यह होता है गाइस 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए 1.01 × 10⁵
5 पास्कल बराबर 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडल दाब या फिर 1 एटीएम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कार्य का मात्रक है, इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो कार्य का शाही मात्रक आपसे कहा गया मेरे प्यारे भाई, याद रखना जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जूल जो है कार्य का शाही मात्रक होता है। वाट हो जाएगा आपका शक्ति, न्यूटन हो जाएगा गाइस आपका बल या फिर भार, और बल का गाइस जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल जो है गाइस कार्य का शाही मात्रक होता है। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मात्रक सुमेलित नहीं है, समझने की कोशिश करो और ऑप्शन ए बी सी डी को देखो कौन सा इसमें गलत लिखा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दे देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, कहने की जरूरत ना पड़े, मैं आपके लिए अपना कीमती समय निकाल करके आपके लिए पूरी जान लगाता हूं, पूरी रात जाग करके मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो आपसे प्यारे भाई बहन की जिम्मेदारी है, आपको भी गाइस अपना दायित्व तो समझना चाहिए, आपका जो फर्ज बनता है गाइस आप उसे पूरा कीजिए, कम से कम इस क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा गाइस आप इस क्लास के बारे में अपने मित्र को भी जानकारी दे दीजिए, उन्हें भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, डेसिबल जो है ध्वनि प्रबलता की इकाई है, बात सही बिल्कुल सही लिखा गया है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर जो है शक्ति की इकाई 746 वाट के बराबर होती है, ये भी सही लिखा गया है। समुद्री मील जो है नौसंचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही लिखा गया है। बट मेरे प्यारे भाई जो डॉप्सन है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, आप सभी समझते हैं कि डॉप्सन जो है गाइस ये ओजोन के घनत्व को मापने की इकाई है, ओजोन के घनत्व को डॉप्सन के द्वारा हम मापते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है भार की एसआई इकाई क्या है, मेरे प्यारे भाई भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दूं। अब देखो भार, भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, न्यूटन जो ये भार का एसआई मात्रक होगा। समझो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर किलोग्राम लिखा गया है, किलोग्राम या गाइस जो ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो देखो आप जैसे ग्राम लिखा है, ग्राम जो गाइस ये द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ग्राम, ठीक है। डाइन जो गाइस ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। अगला है कि संवेग की एसआई इकाई क्या है, संवेग, संवेग का मतलब हो क्या हुआ, संगति गुणे वेग, संगति का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर संवेग का मतलब क्या हो, संगति और वेग। मेरे प्यारे भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड जो है संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा, मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में जो शक्ति की इकाई है क्या है, इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई, समझो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखना अगर मशीनीकरण में कहा जाएगा तो गाइस किलोवाट, किलोवाट जो है गाइस ये हो जाएगा, अगर वाट केवल और केवल कहा जाए तो शक्ति की इकाई वाट हो जाती है। बट मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो याद रखना अश्वशक्ति जो ये उद्योग में शक्ति की इकाई हो जाएगी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, कहने का मतलब यह है कि किसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, बता दो फटाफट, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। देखो गाइस यहाँ पर घनत्व, घनत्व किसे गाइस, घनत्व का मात्रक क्या होता है आप सभी समझते हैं, इसका हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कहने का मतलब घनत्व का सही मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप सभी समझते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बट अगर कहा जाए सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व जो है गाइस इसके ना तो कोई इकाई है ना ही कोई मात्रक है, कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो दिया गया सापेक्षिक घनत्व ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने प्रतिदीप्त यानी कि इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है, किसका उपयोग करके किया जाता है, इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति का जो गाइस मतलब माप है कि किसके प्रयोग के द्वारा किया जाता है, लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आवेग का मात्रक क्या है, देखो आवेग का मात्रक क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई, न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, न्यूटन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, इसका आंसर आप सबको बताना है। ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो वहीं ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट भाषा में सही विकल्प का चयन करें। मेरे प्यारे भाई इसमें आपको बताना है कि किसका क्या मात्रक होता है। सबसे पहले आप देख लो मेरे प्यारे भाई, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, तो ये त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, फिर से समझो, यहाँ पर बल का हो जाएगा न्यूटन, यानी कि यहाँ पर बी पर होना चाहिए चार। अब बी पर चार, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल कट हो गया। फिर देखो मेरे प्यारे भाई, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, यानी सी पर होना चाहिए एक, तो सी पर होना चाहिए एक, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है, इसका आंसर आप सबको बताना है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो कोणीय विस्थापन आपसे कहा गया मेरे प्यारे भाई, समझो इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो जो रेडियन है गाइस, ये कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए रेडियन। अगला है आपके सामने, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, इसका आंसर आप सबको बताना है। पारसेक जो है इसे दूरी मापने की इकाई होती है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक जो है किसके बराबर होता है आपसे पूछा गया, याद रखना 3.26 के प्रकाश वर्ष के बराबर, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक नैनोमीटर आपसे कहा गया मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10^9 मीटर, 1/10^9 मीटर, या फिर कहा जाए 10^-9 मीटर, तब 1/10 नहीं लगेगा, ठीक है? तो 10^-9 मीटर या फिर 1/10^9 मीटर, बात एक ही, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना, क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर बराबर कितने होते हैं, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक पिकोमीटर जो है ये 10^-12 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, एक जूल बराबर क्या होता है, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक जूल बराबर होता है गाइस न्यूटन मीटर, यानी 1 न्यूटन × 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पास्कल जो है इकाई है किसकी, इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है? और मित्र तक शेयर भी कर दिया करो। पास्कल जो है किसकी इकाई होती है? दाब की होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कैंडेला जो है किसका मात्रक होता है, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला किसका मात्रक होता है? देखो कैंडेला जो है ये किसका मात्रक होता है, तो होता है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पारसेक जो है किसकी इकाई है? मेरे प्यारे भाई अभी आपने देखा पारसेक का मतलब मैंने आपको बताया, तो अब आपको ये बताना है कि पारसेक किसकी इकाई है। मैंने आप सबको बता दिया था कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक ही है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए दूरी। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्लास का टाइम टेबल देख लो गाइस आप, और अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है? और अब आपकी डेली 8 बजे साइंस की क्लास होगी, और सुबह 8:30 बजे आपकी जीके की टॉपिक वाइज क्लास होगी, और शाम को 7:30 बजे आपकी जीके की जो गाइस सुबह टॉपिक वाइज क्लास चलेगी उसी के आधार पर आपके क्वेश्चंस होंगे, और 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है मेरे प्यारे भाई। मैथ जो है गाइस आपकी ये 6:00 बजे होगी, रीजनिंग आपकी 10:00 बजे होती है, ठीक है? तो सारी क्लासेस की गाइस PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो गाइस वो कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर तुरंत मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।